years ago, a Turkish journalist was kidnapped and killed. They suspected the Saudi government was involved, and Malcolm did not know about it. But now, recently, a Pakistani renowned journalist was kidnapped in Kenya and brutally murdered. And then another journalist who has been kidnapped, people can't find him. He was kidnapped at the airport by the agencies. And he is with the authorities, and nobody's talking about it. And Imran Riaz is his name, and there are a lot of other journalists are missing. On top of all that, we are facing the worst human rights violation in Pakistan. I mean, that you know about it, but even the women are not safe. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मुनीर शाह, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर है। हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ रिवर्स स्टाइल की होती हैं, तो जिसकी वजह से हम मशहूर भी हैं जितने भी इलाकों में हैं। ये थे अमेरिकन सेनेटर जो ये कह रहे कि जब तुर्की में हुआ, इसने तुर्की का नाम ले लिया, तुर्की में एक सहाफ़ी को शहीद किया गया था किसी के कहने पे रियासती जबर के तहत, तो इन अमेरिका ने बड़ी आवाज़ उठाई थी। तो पाकिस्तान में एक सहाफ़ी को किडनैप किया गया कीनिया में, उसको शहीद किया गया, ये मैं कह रहा हूँ। और जनाब अली, उस पर कोई अमेरिकन ये आवाज़ नहीं उठा रहे सेनेटर। फिर अभी रियाज, इमरान रियाज को किडनैप किया गया, फेडरल एजेंसी ने किया, तो उस पर भी आवाज़ नहीं उठा रहे वगैरह वगैरह ये कह रहा। अब उठे कि चलो थोड़े से दिया चलता है ना, कतरे कतरे से दरिया बनता। तो ये सेनेटर साहब थे अमेरिकन, हमने कहा इस पर बात कर लें। दूसरी बात हमने कर ली थी कि जो वीलॉग या शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं या रील देख रहे हैं या स्टोरी देख रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें और अपना ब्रेक थ्रू ज़रूर दिया करें और अपना फीडबैक में मुंतज़िर हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, हाँ जी आ जा वापस, उसको कह रहा, वो कह रहा आज छलांग मारनी है उसने, इस हफ्ते नहीं मारने, अगले हफ्ते छुट्टियां हो रही हैं, फिर जाएगा। अल्लाह करे, इतनी दुनिया में अंधे कत्ल होते हैं, न जाने ये क्यों नहीं हो रहा। एक मेजर जनरल साहब ने मीटिंग बुलाई, तमाम टीवी चैनल्स को उसमें बुलाया जो पाकिस्तान में दस्तयाब थे, जो मुल्क से बाहर थे उनको, और कोई नहीं रिपोर्ट करेगा, ये हम बताएंगे। यहाँ तक तो किसी ने कहा तमाम को बुलाया, लेकिन उनको भी डंडे के जोर के ऊपर, करंट वाले स्टिक्स के ऊपर कहा जी आपने वर्चुअल बीच में शामिल होना है। ठीक है जी, वो फिर जो बाहर थे तो वो बेचारे शामिल हुए। शुएब शेख पहले डील करके आया हुआ था, पहले ही खर्चा पड़ा, वो तो भागा भागा गया कि नवा बेल ही ना पड़ जाए मेरी अदम मौजूदगी मेरी गैर हाजिरी में। वो भी गए, जो भी थे यहाँ पे लखानी ग्रुप मारवन सिगरेट वाले भी पहुँच गए उधर, तो हर मियाँ अमर भी पहुँच गए, जो जो थे पाकिस्तान में। हम टीवी को बेचारी एक मोहतरमा चलाती है और रिश्तेदार भी है मीर साहब की, वो भी बेचारी डर डर के चली गई, पहले कुकिंग के करती रही, फिर अपने शो बनाती रही, जीरो से ऊपर आई हीरो। हम टीवी बेचारी का उसका है, एक और भी मेरे का वो चैनल है। अच्छा जी, ये सारे वहाँ पे चले गए। ये वही मीटिंग थी जिसमें स्पेशल तौर पे एक सप्लायर एक ब्रूतल भागा भागा आया था, तो वो जनाब अली आगे तो पीछे यूं करके ना, उसकी मेजर जनरल आजाद सरवस जिसने यूनिफॉर्म पहना उसके पीछे यूं कुर्सी के ऊपर बाजू रख के बैठ गया। बताना चाह रहा था टीवी चैनल वालों को मेरे भी बुलाया करो, मेरे पास भी बड़ी बड़ी अलैचियाँ हैं वगैरह वगैरह। यहाँ तक ऐसी वर्स स्टाइल आपको कोई नहीं मिलेगी, सिर्फ हम देंगे। बीच में मरियम का जलसा, चलो ठुस पुस हो गया मैं वहाँ पर क्या करूँ, इतना तो बंदा बिरयानी खाने आ ही जाता है। बेचारी ने टोटल जो 11 मिनट की तकरीर की है, तराने तुरने पाप हो गया, आधा घंटा गुजारा, उसके बाद भागने की वहाँ से, तो नाराज ही आई है कि पब्लिक जो है ना अभी भी कश्मीर की जो है वो भी नहीं, कश्मीर ने भी नहीं एक्सेप्ट किया। वो तो तनवीर लियास इधर धक्के का था। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आ जाइए जी, बीच में तड़का भी लगा दिया करते हैं ना, चलो साथ ही चलता है ना। अच्छा जी, फिर भी एक और तड़का भी बीच में आएगा, अभी एक पास कर या बर्दाश्त कर, डबल स्पीड पर सुनिएगा।
वहाँ पे उन्होंने कहा जब इमरान खान का, जब इमरान खान ने नाम ही नहीं लेना, हमने पीटीआई का नाम ही नहीं लेना, सिर्फ ये करना 9 मई के दहशतगर्द। किसी ने कल शेयर भी किया था, लेकिन वो डेटा लेके गए थे टेक्निकल साथ ही, उनके हर वक्त बगल में होता है कि डेफिनेट ये बात करनी है। हमने अपने रंडी रोने रोने सारे व्यूवर थे यूट्यूबरों के पास चले गए हैं। कल पल मरियम के जलसे में कोई 13 देख रहा था, कोई 300 देख रहा था, कोई 200 देख रहा था, वो पूरी टीवी चैनल की पिक्चर दी हुई, और ये इंक्लूड था जो बंदा फोटो खींच रहा था ना टीवी चैनल के, ये इंक्लूड था। लेकिन उनके पास भी टेक्निकल डेटा होता है, तो हमारे जो आप ये खबरें दे रहे हो तो हमारे तो आगे पहले बैठा बैठा हुआ है, हम क्या करें, चैनल हमारे किस तरह चलाए वगैरह वगैरह। वहाँ पे तू तू मैं तू तू भी हुई थी, आपने कहा आपको अहमद मीर को कामरान खान को 50-50 लाख दो, ये मैं कह रहा हूँ। तो वो कहता कि आपने इतनी इतनी सैलरियाँ दे जिन जिनको दी हुई हैं और काम भी नहीं कर रहे, उनके ऊपर आपने किस तरह किया है वगैरह वगैरह। तो करे जी यही तो हमारी रेटिंग होती है, यही हमारी रेशियो होती है, इससे वगैरह आते हैं। आप अहमद मीर का हर 15 मिनट बाद देख लेना प्रोग्राम पे, व्यूवर्स क्या आएंगे जो पाकिस्तान में है वो दे लें, और यूट्यूब पे भी हम देखते रहते हैं, बहुत कम, बहुत डाउन है, कामरान खान की बहुत डाउन है। अच्छा जी, फिर कामरान खान के तौर के लिए उन्होंने ओबासी दाढ़ी मेजर जो रखा हुआ है, वो खबरें अंदर की लाता है ना, मिलिट्री की आर्मी की, तो कामरान खान को किसने देना, कहते हम यूट्यूब के पे क्यों ना देखें। इन्होंने वहाँ पे दिया तो जनाब अली टीवी चैनल साहबान ने ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा हिस्सा टीवी साहबान ने फिर दोबारा मीटिंग की, वो तो वहाँ फैसल वाडे वाली थी ना, अब फैसल डाडा को ही होएगा कोई, वहाँ पे गए कि हमें इन इन कंपनियों के इश्तहार दिलवाओ, हमें फ़ोन करवाओ वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे हाँ जी निधि मंजुम के पास गए। पहली थी एक मेजर जनरल ने की थी, दूसरी ये इन्होंने मीटिंग की जाके नदीम अंजम से बिल्यू एरिया में कि जी इस तरह। लेकिन ये रिपोर्ट जो हुआ, अव्वल तो कहीं हुआ नहीं, कभी जगह हुआ, नदीम अंजम ने बुलाया जिनको खींचा तो इसके लिए गलत है। नदीम अंजम के पास ये गए थे कि भाई हमें तो इश्तहार इनको ही दे रहा। अच्छा जी, उन्होंने पहला टेलीफोन था जो बंद हो रहा था, ये ब्रेकिंग न्यूज है करीब, था इंडस मोटर को किया, सुजुकी को किया, शिराजी साहब को किया टेलीफोन, 2-3 फोन किए, ये आप इश्तहार क्यों नहीं दे रहे वगैरह वगैरह। कह जी कहाँ से, काम ही नहीं है तो कहाँ से दे, और व्यूवर जिनको दें जहाँ पे 15, 20, 30, 200 या 300 लोगों के लिए, हम उन्हें कह जी हमें 50% डिस्काउंट दे, हम देते हैं 50% डिस्काउंट दे, तो फिर टीवी चैनल चलने किस तरह, सैटेलाइट का किराया किसने देना, इतनी लशपश गाड़ियाँ ये वो वगैरह, जो छोटे स्टाफ की सैलरियाँ बंद की हुई बड़े की गर्ज के, जो जहाँ तक वो डायमंड ग्रुप वालों को भी फ़ोन किया वकार शफी को, उन्होंने कहा जी है का अब कारोबार ही नहीं तो कहाँ से इंपोर्ट करने, इंजन हम इंजन मंगवा नहीं रहे बाहर से, हमारे स्पेयर पार्ट्स आए नहीं रहे, मेरा रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, वो हर एक ने ड्यूटियाँ बांटी। डायमंड ग्रुप का मेन जो है वो सर्वर तो एक है, लेकिन आगे कोई मोटरसाइकिल डील करता है, कोई ये बेडशीट डील करता है, जो उसके ऊपर चढ़ती हैं इसके ऊपर मैट्रेस के ऊपर, कोई मैट्रेस डील करता है वगैरह। वो दो भाइयों के आगे औलादें भी तो निकलाई ना, हम नहीं दे सकते। नितेंद्र मंजम ने कहा, ये मैंने कहा, उसके उसका तर्जमा आया तो अच्छा, रहना तो आता ही है ना, दुश्मनी हमारे से ही डालनी है ना, तो फिर लग पता जाएगा। तो इस तरह की ये सूरत हाल है, चैनल बेचारे क्या करें, मैं चैनल वालों के साथ हूँ यहाँ पे, इतने इतने महंगे उन्होंने रखे हुए हैं, कोई कितने, एक चैनल था उस पर ये समेत ये जो इसकी ये भगोड़ी की फिल्म आ रही थी उसके समेत 3 थे, कह एक तो मैं जो फोटो खींच रहा, 2 एक अब्बाजी था, ते तीसरा केड़ा डैश डैश डैश, हमारे पंजाब में ये गंदी वो चल रही है।
अच्छा जी, यहाँ पे तो होगी ब्रेकिंग न्यूज मेरी खत्म है। अब आप ये सुने जी, इनको भी सुन रहे थे। जिंदगी बाद में याद करें, पाकिस्तानी अवाम ने इन्हीं को चुना है, आपके इंकलाब के नारों को उन्होंने नहीं चुना। ये एक बुनियादी फैक्ट है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन यही पार्लियामेंट लोगों ने चुनी है। आपको उन्होंने इंतखाब नहीं किया, आपको मुंतखब नहीं किया। आपके सवाल को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ताइद करता हूँ। मुझे आपके सवाल पर बिल्कुल ना नाराजगी है ना इख्तिलाफ है, और इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि ये आज नहीं, इनसे बड़ा डाकू सियासत में तो कोई आने का इम्कान नहीं है, लेकिन बड़े डाकू भी आ जाए ना, ये पाकिस्तान की अवाम इस सिस्टम के तहत उन्हीं को चुनेंगे। अवाम को शऊर नहीं दिया गया, जब कौम को आप बनी इसराइल बना के रख दे तो बनी इसराइल फिरौन के साथ भी खुश थी, फिरौन के साथ भी खुश थी, सजदा करते थे, वो उनके बेटों को जिबा करता था, बच्चियों के साथ बदमुआशी करता था, बनी इसराइल कभी आवाज नहीं उठाते थे, बनी इसराइल ने कभी मूसा अलैहिस्सलाम को वोट नहीं दिया था। वो खौफ के साथ अवाम, जब आप उनकी ताकत खत्म कर दें, जुरत खत्म कर दें, उनको तालीम ना दें, उनको सेहत ना दें, उनको रोजगार ना दें, उनको तरक्की ना दें, तो आप उनको जिस्मानी तौर पर नहीं, नदीम मलिक साहब शऊरी तौर पर भी मार देते हैं, मेंटली भी आप उनको बिल्कुल फना करके मफलूज करके रख देते हैं। तो जब वोट का टाइम आता है, वो नजरिए के लिए वोट नहीं देते आप पाकिस्तान के अवाम, खारजा पॉलिसी के लिए वोट नहीं देते, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ्फुज़ कौन करेगा इसके लिए वोट नहीं देते, अहल कौन है पाकिस्तान के इक्तदार का इसके लिए वोट नहीं देते, हमसाया मुल्कों में पाकिस्तान के मकाम को बुलंद कौन करेगा इसलिए वोट नहीं देते, खारजा पॉलिसी, तालीम की पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, ये कौन चलाएगा इसलिए वोट नहीं देते, वो वोट देते हैं कि उनकी बिरादरी को पैसा कौन दे रहा है, कितने करोड़ मिले हैं, उनकी नालियां किसने बनाई हैं, उनकी गलियां किसने बनाई हैं, उनकी रोजगार नौकरियां किसने दी हैं, बस एक लम्हे के लिए अब वोट के नाम पे इस काम कौम को एक कारोबार मिलता है, एक लम्हे के लिए उनको बताइए बेईमान है, किसी ने कुछ नहीं देना, जो कुछ इस वक्त निकलता है ले लो, बस पैसे चलते हैं, आप गवाह हैं खुद इस बात के, मोटरसाइकिल लगते हैं, अरबों रुपए की करप्शन होती है, इसी वजह से तो एक इलेक्शन करोड़ों और अरबों तक जा पहुंचा है। ये थे जनाब बेड़ी मोहतरम ताहरुल कादरी साहब, मफरूरी इसको कहूँगा, कि पाकिस्तान में अब आके अपना, अगर तू के समझता है कि ये मैं तो इस वजह से कर रहा हूँ, कोई गुस्सा ना करना कि खून बेच दिया, जो मॉडल टाउन साने का इन्होंने खून बेच दिया, तो फिर ये वही उस चीज़ के सलूक के हकदार है जो फ्रांस में हुआ था, वही इनके साथ भी होना चाहिए। रही कसर अमीर भट्टी ने कर दी, इमरान खान साहब से ये गिला था क्वालिटी और डिसक्वालिटी, कि वो उसके दामाद को साई को रखा हुआ था, उसको ये नहीं करवाया कि जाके अपने ससुर को कहा ये जो मॉडल टाउन के आप क्यों नहीं करवा रहे, तीन चार पेशियों में ख़त्म हो जाना, वो जान के अपनी भट्टी, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में जाना। अगर ये होता है ना, मरियम होती या हमजा होता या शुभाशरीफ होता, वो साई को बुलाते दराज, ये तूने अपने ससुर से काम करवाना है कि नहीं करवाना, चला कोई तरह को काम शाम रुका तो दे दे, वो खुद भी कह देते, लेकिन ये भी कह देते को काम शाम रुका दे रहा, चल शाबाश ये काम करवा चल, नहीं तो तेरे खिलाफ टाका 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 टाका, ये भी नहीं करवा सका तो फिर भुगतेगा ही ना। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे, क्या क्या हुक्मरान दिए हैं, किस किस तरह। एक मैं और आखिर पे ये सुना दूं आपको, ऑडियो सुनानी, ऑडियो ये सुनना जरा, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर आया 8 में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 8 का तर्जुमा, और विद इन ब्रैकेट, इसको भी वक्त को भी याद करो जब तुम्हारे रब ने अंबिया के जरिए ऐलान किया था, ऐ लोग अगर तुम शुक्र गुजार बनो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो याद रखो मेरा अजाब यकीनन सख्त हुआ करता है। एक तो दो बातें, एक तो शुक्र गुजार बनो, जो मिले अल्लाह तआला शुक्र है, और अगर आपने शुक्र ना किया तो ये देख लें अल्लाह ताला के जाब का था। एक अखीर पे गिला कर तो मेहर शराफत भी भाग गए, जिनके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था अखाड़े वाले, और इनको टिकट इमरान रियाज खान ने दिलवाई थी, वो भी भाग गए हैं। हालांकि उसने जब अखाड़े फार्म पर का केस चल रहा था वहाँ पे मिलिट्री फार्म का, तो उन्होंने
आर्मी का जबर बर्दाश्त किया था, ये और आने बर्दाश्त कर सके। अल्लाह राय हिदायत दे, पाकिस्तान जिंदाबाद।